सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फिलहाल गाइस, जो हमने अंडे लगवाए हुए थे ना हेचरी में, तो वो चूज़े निकल गए, तो हम वो चूज़े लेके आ गए। मैं आपको वो दिखाता हूँ। चूज़े अंदर बंद किए हुए हैं, नहीं तो बाहर हम नहीं निकाल रहे। ये मुर्गा मुर्गी है ना, ये मारेंगे। तो हमने इनको ना अंदर बंद किया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 6 चूज़े हैं और अंडे भी लगाए हुए हैं, वो निकलेंगे, वो भी लेके आएंगे। ये अभी फ़िलहाल 6 निकले। ये देखो, अभी मैंने ये खोला है ना, इनकी आवाज़ सुन के ये मारने के लिए आते हैं इधर ना, ये मार देंगे, तो इसीलिए ना इनको खोलते नहीं है फिलहाल। अभी इनको बंद करते हैं। और एक और आपको चीज़ दिखानी है, इनको पहले बंद कर देता हूँ। ये बंद हो गए। तो गाइस, जो हमने ये अंडे मशीन में लगाए थे ना, तो इनमें इनके परों में ना थोड़ा थोड़ा पता नहीं अलग सा रंग आ गया है, पता नहीं क्यों आया। तो इसीलिए ना हमने थोड़े और अंडे लगाए मशीन में, वो अभी बाकी के अब हम नहीं लगा रहे। हम एक कुड़क मुर्गी लेके आए हमने, मैं आपको बता रहा था, हम एक कुड़क मुर्गी लेके आए, तो उसके नीचे बाकी के अंडे रखे। और तितर है ना, वो अंडे तोड़ रहे थे, पता नहीं दे रहे थे और अंडे तोड़ रहे थे, तो वो हमने तित्तर के अंडे भी रख दिए मुर्गी के नीचे। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कल रात लेके आए कुड़क मुर्गी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस खुड्डे के अंदर रखी है, इस खुड्डे को थोड़ा ना हमने ऊपर किया है और यहाँ से ना बंद किया है, खुल जाता था। तो इधर से अभी आप मेरे को दिखाता हूँ, अंदर नहीं जाऊँगा, मुर्गी मारेगी। ये देखो मुर्गी अंदर है ना, मुर्गी बैठी हुई है, ये मारेगी। इधर से ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो फूल गई है, देखो ये मारेगी, इसीलिए मैं हाथ नहीं लगा रहा। इधर से ही आपको दिखा देता हूँ, इसके सामने ईंट लगा दूँ। तो इसके नीचे हमने ना 2 या 3 उसके तित्तर के अंडे रखे हैं और बाकी मुर्गी के ही हैं। तो ये मुर्गी है ना, जो ये वाइट वाली, इनके रखे हैं। तो ये हम कुड़क मुर्गी लेके आए, तो ये तो कुड़क हो नहीं रही, तो हमने इसके नीचे रख दिए। मशीन में हमने जो लगाए थे ना अंडे, ये देखो ये वाइट होने चाहिए थे पूरे, इनके परों में पता नहीं कौन सा रंग आ गया है। मैं आपको एक पकड़ के दिखाता हूँ। भर लिया, अरे पानी गिर गया। ये देखो इसके इनके परों में ना, ये देखो ये इनके परों में रंग आ गया है, पता नहीं किस चीज़ का। अभी ये मुर्गी के नीचे लगाएं, देखें इनमें भी यही आता है क्या आए, तो देखते हैं। तो देखते हैं, अभी मुर्गी के नीचे रखें और अंडे मशीन के नीचे भी रखें ना, मशीन के नीचे बोलो, मशीन में भी अंडे रखें, तो देखते हैं अभी क्या होता है, क्या अंडे दे रहे हैं फिर तोड़ रहे हैं बार बार। तो इसीलिए हमने ना मुर्गी के नीचे रख दिए, और 3 3 4 अंडे हमने मशीन में भी रखे इनके तित्तर के, और मुर्गी के नीचे भी रखे। तो देखते हैं अंडे निकलते हैं मशीन में, मुर्गी के नीचे से तो मेरे ख्याल निकल जाएंगे, बाकी मशीन में देखें, क्योंकि मशीन में लगते हैं बड़े मुर्गी के अंडे और तित्तरों के छोटे छोटे, तो देखते हैं निकलते हैं नहीं निकलते। तो गाइज़, ये चूज़े तो निकल गए, हम लेके आ गए, पर इनके परों में रंग आ गया, पता नहीं क्यों। अभी मुर्गी के नीचे भी लगाएं और तित्तर के भी लगाएं, देखते हैं तित्तर के मशीन में भी लगाएं, नहीं मुर्गी के और तित्तर के मशीन में भी लगाएं दोनों के, और मुर्गी और तित्तर दोनों के मुर्गी के नीचे भी रखें। तो दोनों अंडे आधे आधे इधर हैं और आधे आधे उधर हैं। तो अभी देखते हैं मशीन में निकलते हैं कहाँ निकलते हैं। अभी इनमें तो रंग आ गया है पता नहीं क्या, और तित्तर पता नहीं अंडे दे रहा है बार बार तोड़ रहा है। और गाइज एक बुरी खबर भी थी, वो जो हम टेन करने के लिए कबूतर लेके आए थे ना, वो मर गए, वो मरे इस तरह से। बाहर हम खोल देते हैं ना, तो पता नहीं, हम गए थोड़ी देर के लिए, पीछे बिल्ली आई है या बिल्ला आया है क्या, तो उसने मार दिए, जख्मी हुए पड़े थे। हम आए, हमने इधर पड़े देखे पता नहीं क्या, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो हम जो कबूतर लेके आते हैं ना, पता नहीं क्या हमारे पास पलते ही नहीं है, क्या होता है कभी क्या तो कभी क्या, भी क्या कर सकते हैं, अभी हमारे नसीब में ही नहीं है मुझे तो लगता है, अभी क्या कर सकते हैं। पर दुख तो बड़ा होता है, कितने प्यार से लेके आते हैं, तो पाला था हमने हाथों से, तो अभी देखते हैं और लेके आए क्या, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो दुख तो बड़ा होता है, लेकिन अभी देखें मुर्गियों के अंडे और तित्तर के अंडे दोनों के मशीन में लगाएं, और मुर्गी के नीचे भी रखें तित्तर के। तीन अंडे मुर्गी के और 3 अंडे तित्तर के, मुर्गी के नीचे रखें और 3 अंडे नहीं, मशीन में तो ज़्यादा ही लगाएं मुर्गी के, और तित्तर के मशीन में भी 3 ही है। तो देखते हैं क्या होता है, निकलते हैं बच्चे नहीं निकलते हैं, तो अभी क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं। अभी आप कमेंट में बताना, इनके परों में पता नहीं रंग क्यों आया है, साथ रखने से हुआ है उन दूसरों चूज़ों के, दूसरे चूज़े भी थे ना ब्लैक काले, तो उनके साथ रखने से हुआ है। तो
आप लोग कमेंट में बताना। फिलहाल गाइस देखते हैं, मशीन में तो जल्दी निकल जाएंगे ना अंडों में से चूजे तो है और तित्तर के अंडे और उसके, क्योंकि मशीन में पहले लगाए थे। मुर्गी तो अभी रात को ही ला के बिठाई है, तो अभी देखते हैं मुर्गी के नीचे से ना देर से निकलेंगे। तो अभी देखते हैं, कबूतर भी मर गए, अभी देखते हैं कबूतरों को ना निकालें या और कबूतर लेके आएँ। आप कमेंट में बताना हमें और कबूतर लाने चाहिए या नहीं लेके आने चाहिए, क्योंकि हमारे पास टिकते तो हैं नहीं है, या तो उड़ जाते हैं, बच्चे उड़ा देते हैं, तो या तो बिल्ली ले जाती है मार देती है। तो फ़िलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।